हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ और लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ से फॉलो करें। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी की यूनिट 10 के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है इशूज़ ऑफ जेंडर। यूनिट 10 साइकोलॉजी के सेलेबस में एड एक बिल्कुल न्यू यूनिट है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स। जेंडर्स के बीच में क्या क्या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसको हम इस कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेल और फीमेल के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के तीन वे पाए गए हैं। फर्स्ट है क्रोमोजोन्स, सेकेंड हारमोन्स, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। हारमोन्स और क्रोमोजोन्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की, यानी कि हारमोन और क्रोमोजोन्स की वजह से ही कोई मेल मेल है और कोई फीमेल फीमेल है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं और ये हेरिडिटी को कैरी करती है, यानी कि इनके थ्रू ही माता पिता से बच्चे में उसके गुण आते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अलग अलग तरह के ह्यूमन बिहेवियर में। एंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का, जो कि प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है केमिकल्स को मैसेज, जो कि मैसेज ले जाते हैं और इनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं, इसलिए जिन ग्लैंड से ये निकलते हैं उनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। और ये ग्लैंड्स जो होती है वो कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, जो कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेन स्ट्रक्चर है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है और इनहिबिट भी करती है हार्मोन्स के सिक्रेशंस को अदर ग्लैंड्स का, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और वो उनके जो सिक्रेशन है हार्मोन का उसको इनहिबिट भी कर सकती है और उसको वो स्टिमुलेट भी कर सकती है। जो सेक्स और रिप्रोडक्शन हार्मोन्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको बोला जाता है ओवेरीज, मेल्स में इसको बोला जाता है टेस्टिस, और कंबाइंडली हम इन ऑर्गन्स को बोलते हैं गोनाडस। सेक्स डिफरेंटेशंस एंड रोल ऑफ क्रोमोजोन्स। क्रोमोजोन्स का जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में। गर्ल में भी ये 23 पेयर होंगे और बॉय में भी ये 23 पेयर होंगे। कंजम्पशन के टाइम में हमें आधे क्रोमोजोन्स मिलते हैं माता से और आधे हमें मिलते हैं पिता की साइड से, यानी कि जो एक पेयर है उसमें से एक मदर का होगा और उसमें से एक फादर का होगा। जो 23वां पेयर है क्रोमोजोन्स का उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोन्स, और ये फीमेल में होता है एक्स एक्स, मेल में ये होता है एक्स वाई। जो क्रोमोजोन्स हैं वो जीन्स के थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि वो क्रोमोजोन्स ही हैं जो माता पिता से बच्चों में गुणों को लेकर आते हैं। फीमेल सेक्स क्रोमोजोम्स एबनॉर्मलिटीज़। फीमेल्स में कुछ सेक्स क्रोमोजोम्स एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिली हैं तो हम उनको पढ़ते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। इस तरह का जो सिंड्रोम होता है उसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोजोन्स होता है, यानी कि एक्स जीरो की पोजीशन होती है। अब तक हमने पढ़ा है कि फीमेल में 23rd वाले पेयर पे जो सेक्स की क्रोमोजोन्स की पोजीशन होती है वो होती है एक्स एक्स, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता, उसमें एक एक्स मिसिंग होता है इसलिए वहाँ पे एक्स जीरो की पोजीशंस होती है। इस तरह के केस में जो फीमेल है वो एबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न उसमें देखने को मिलता है, वो अपने एडल्ट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, एवरेजली उसकी हाइट होती है 4 फीट और 7 इंच की, और इस तरह की फीमेल के जबड़े भी छोटे होते हैं और उनकी नेक भी छोटी होती है। ज़्यादातर उनमें पाया जाता है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है वो कम होती है और उनकी ओवरीज पूरी तरह से डेवलप नहीं होती नॉर्मली, और वो ओवुलेट भी नहीं कर सकती हैं। इस तरह की फीमेल्स में ये चीज़ देखने को मिलती है कि इनमें थायराइड डिसीज़ होने के चांस एवरेज से ज़्यादा होते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक बहुत ही ज़्यादा रेयर पाए जाने वाली डिसीज़ है और ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। ये 3000 में से एक या 5000 में से एक ही देखने को मिलती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर इसकी डायग्नोस अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है और अर्ली रेगुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के, तो इसमें थोड़ी बहुत हाइट को कुछ इंच तक बढ़ाया जा सकता है, और जब प्यूबर्टी तक वो फीमेल आती है तो ये नॉर्मल उसका जो पैटर्न है वो हो जाता है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा मेटा फीमेल्स और रिपल एक्स फीमेल्स।
इस तरह की जो फीमेल्स थी उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, यानी हमने पढ़ा कि 23 वाले पेयर पे एक्स एक्स की पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स देखने को मिलता है। जब ये एडल्ट होती हैं तो इस तरह की फ़ीमेल को हम बोलते हैं सुपर फीमेल्स, और ज़्यादातर जो इनकी हाइट है वो एवरेज से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये नॉर्मली डेवलपमेंट सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती है इनमें, और ये फर्टाइल भी कर सकती हैं। लेकिन इनमें जो कमी है वो क्या होती है कि इनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर ये लो रेंज की नॉर्मल इंटेलिजेंस इनके अंदर देखने को मिलती है। ये जब चाइल्डहुड में होती है तो इमोशनली इमेच्योर होती हैं, यानी कि जो मेटा फीमेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली तो बिल्कुल सही होती हैं लेकिन मेंटली वो कम होती हैं, यानी उनमें इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत कम होता है और वो इमोशनली भी बहुत ही कम मेच्योर होती है। मेल सेक्स क्रोमोजोम्स एबनॉर्मलिटीज़, अब तक हमने पढ़ा है फीमेल के अंदर क्या क्या सेक्स क्रोमोजोम्स एबनॉर्मलिटीज़ होती है, और इसमें हम पढ़ेंगे मेल के बारे में। फर्स्ट है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम्स हमें देखने को मिलता है, जिससे कि उनका जो मेल का क्रोमोजोम्स स्ट्रक्चर है वो हो जाता है एक्स एक्स वाई। हमने पढ़ा है कि 23 वाले पेयर पे जो मेल का क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है वो होता है एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे एक एक्स ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो जो एक्स क्योंकि फीमेल का वाहक है इसलिए जो मेल है उसका बिहेव भी एक फ़ीमेल की तरह से हो जाता है। उनकी जो आवाज़ होती है वो हाई पिच हो जाती है उनकी फ़ीमेल्स की तरह से, उनका फ़ीमेल की तरह से बॉडी कंटूर हो जाता है, और तो और उनका जो ब्रेस्ट एंगेजमेंट है वो भी फ़ीमेल की तरह से ही हो जाता है। उनका फेस जो मेल के अकॉर्डिंग कम होने लगता है, यानी वो मेल से छोटा होता है, और उनके बॉडी हेयर ग्रोथ भी फीमेल की तरह ही हो जाती है। इस तरह के मेल्स की जो टेस्टीज है वो और प्रोस्टेज ग्लैंड्स है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, और एज रिजल्ट उनमें बहुत ही कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का रिलीजन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है वो उनमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एक्स वाई वाई सिंड्रोम। एक्स वाई वाई सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम्स देखने को मिलता है, और इस तरह से जो मेल है उसका जो क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर होता है वो एक्स वाई वाई हो जाता है। क्योंकि वाई मेल का वाहक होता है इसलिए इसमें ज़्यादा और भी ज़्यादा मेल के क्वालिटीज़ को देखने को मिलता है। इस तरह के एडल्ट्स की जो हाइट होती है वो यूजुअली 6 फीट से ज़्यादा की हो जाती है, और इनको सुपर मेल्स कहा जाता है। ये जनरली एक नॉर्मल मेल की तरह से एक्ट करते हैं, और ये भी होता है कि इनमें जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोड्यूस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ये यूजली फर्टाइल कर सकते हैं और एक ऑर्डनरी लाइफ जी सकते हैं एक अडल्ट की तरह से, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक्स वाई वाई में बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से कुछ रिसर्चर ने ये सजेस्ट किया है कि इस तरह के जो मेल हैं वो वॉयलेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉन होते हैं, और इनका जो ज़्यादातर वाइफ बीटिंग केस या फैमिली वॉयलेंस इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिफरेंसेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे एक्स वाई क्रोमोजोम्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी चाइल्ड मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, और दोनों तरह के ही सेक्स का अपना इंटरनल सिस्टम होता है। फर्स्ट है हमारा वोल्फियन सिस्टम। वोल्फियन सिस्टम जो होता है वो मेन इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और इसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी फीटस को मेल फीटस में डेवलप कर सके। नेक्स्ट हमारा होता है मुलेरियन सिस्टम। मुलेरियन सिस्टम होता है फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी फीटस को एक फीमेल फीटस में डेवलप कर सके। वोल्फियन सिस्टम और मुलेरियन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जब हम हार्मोन्स और सेक्स वाले पोर्शन को बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम इनको वहाँ पे कवर करेंगे। सेक्स जो डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक्स वो दोनों ही सेक्स में सेम होती है, जबकि उनका प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, और ये दोनों ही सिस्टम उनमें होते हैं, यानी कि एक फीमेल में भी मुलेरियन और वोल्फियन सिस्टम होते हैं और एक मेल फीटस में भी वोल्फियन और मुलेरियन सिस्टम होते हैं। लेकिन 6 वीक के बाद ही हमें पता चल पाता है कि कोई बेबी जो है वो फीमेल बनेगा या वो मेल बनेगा।
प्रोडक्शन जो टेस्टोस्टेरोन का है, जो कि एंड्रोजन का एक हार्मोन्स है, वो स्टिमुलेट करता है वोल्फियन सिस्टम को और डिजनरेट करता है मुलेरियन सिस्टम को। टेस्टोस्टेरोन क्योंकि एक मेल हार्मोन है, इसलिए वो वोल्फियन सिस्टम को तो स्टिमुलेट करता है, और मुलेरियन सिस्टम एक फीमेल सिस्टम है, इसलिए ये टेस्टोस्टेरोन उसको डिजनरेट करता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस इन बोथ सेक्सेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि हार्मोन किस तरह से दोनों सेक्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ सेक्स हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। गोनाड्स में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, और इनसे रिलेटेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। गोनाड्स बोला जाता है दोनों के कंबाइंड सेक्स ऑर्गन्स को, और इनसे रिलेटेड जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर है वो रेगुलेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमस जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन्स, और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स इसमें से ही एक तरह का हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से इन्फ्लुएंस होता है, और रिजल्ट के रूप में क्या करता है कि अदर तरह के रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन इनका ही एक एक्शन होते हैं। गोनाडोट्रोपिक उनमें से एक है। एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन एक तरह के जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है और एस्ट्राडिल एक कॉमन एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टोस्टेरोन भी एक गोनाडल हार्मोन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो वुमेन की प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव और रिलेटेड प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा हार्मोन्स है उसकी स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटी हमारे अलग अलग तरह के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल के टेस्टोस्टेरोन के लेवल से किसी भी टेस्ट में परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़। हार्मोन में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारा एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो प्रीनेटल प्रोडक्शन है एंड्रोजन्स का वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और ये सिंड्रोम इसके थ्रू ही आता है। मेल फीटस में तो इसका कोई भी मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फीमेल फीटस में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर एक रेसेंबलिंग बॉय की तरह से हो जाता है, और इस तरह की जो गर्ल होती हैं जिनमें ये सिंड्रोम होता है वो टॉम बॉय की तरह से दिखने लगती हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल है मेल फीटस में, ये नॉर्मल एक्स वाई मेल फीटस में होता है जिनकी की बॉडी सेल इनसेंसिटिव हो जाती हैं एंड्रोजन्स के लिए। इनका जो कारण है वो है कि एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स का, और इसमें क्या होता है कि ये सिंड्रोम एक्स वाई क्रोमोजन स्ट्रक्चर इसमें होता है। जो इनेबिलिटी है एंड्रोजन रिसेप्टर्स की वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि जो एक मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो इस तरह के जो बेबीज़ होते हैं वो हमेशा गर्ल बर्थ के टाइम पे वो गर्ल बन जाते हैं, और इंडिविजुअल ने पाया है कि फीमेल के बिहेवियर उनमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जब भी कोई फीटस डेवलप होता है तो अगर उसमें कोई भी सिस्टम मुलेरियन या वोल्फिन एक्टिव नहीं होगा तो वो एक गर्ल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिफरेंसेस इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी सेक्स डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो हमारा फर्स्ट है हमारा जेंडर डिफरेंस जो कि एग्जिस्ट होता है ब्रेन के साइज के रूप में। मेल्स का ब्रेन को हाई साइज माना गया है फीमेल की अपेक्षा से, और ये हमें देखने को मिलता है कि जब हम मेल रेट के हाइपोथैलेमस रीजन को देखते हैं और फीमेल रेट के हाइपोथैलेमस रीजन को देखते हैं कि तो दोनों ही के साइज में डिफरेंस था और उनके हार्मोनल कंट्रोल में भी डिफरेंस था। रिसर्च ने इस बात को शो कर दिया है कि जो मैन है उनका लेफ्ट साइड का ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है और वो रेस्पॉन्सिबल है कन्वेंशनल लॉजिकल थाट्स के लिए, एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए,
और वुमेन का राइट साइड का ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फुल इमेजिनेशन के लिए, आर्टिस्टिक एक्टिविटी के लिए, होलिस्टिक इंट्यूटिव थिंकिंग, विजुअल और स्पाटियल टास्क के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।